नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मेट्रो के 10 स्टेशन के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक देश के 25 शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ाने की घोषणा के बाद पटना में भी परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को ही पटना रेल कॉरपोरेशन ने जिला भू अर्जन कार्यालय को स्टेशनों की सूची सॉफ्टवेयर भूमि अधिग्रहण की अभियाचना भेज दी है। इसके पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के समीप पहाड़ी और रानीपुर मौजा में डिपो निर्माण के लिए 76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि पहाड़ी और रानीपुर मौजा में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी विकास प्रबंधन संस्थान को सौंप दी गई है। संस्थान को 45 दिनों के अंदर मूल्यांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 चरणों में मेट्रो परियोजना को पूरा करने का फैसला लिया गया है। चारों गुटों में 4 दर्जन से अधिक स्टेशन प्रस्तावित है। कई स्टेशन भूमिगत बनाए जाने हैं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहारवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने यह कहा है कि नए साल में सबका जीवन सुखी, आनंदित एवं समृद्ध पूर्ण होने के साथ ही सामाजिक वातावरण के साथ बिहार प्रगति की तरफ बढ़े और राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, समता, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण विकास को शक्ति और गति मिलने की कामना की। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने सभी लोगों से COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे आनंद कुमार की। आनंद कुमार एक भारतीय शिक्षक और गणितज्ञ है जिन्हें उनके सुपर 30 कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने 2002 में पटना बिहार में शुरू किया था। डिस्कवरी चैनल ने एक वृत्त चित्र में उनके काम का प्रदर्शन किया गया था। कुमार ने MIT और हार्वर्ड में भारतीय समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए अपने कार्यक्रम के बारे में बातचीत की है। उनके जीवन और काम को 2019 की फिल्म सुपर 30 में चित्रित किया गया है, जहां कुमार ऋतिक रोशन द्वारा निभाए गए हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में झांकी निकालने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। राज्यपाल और अधिकारियों के साथ ही चंद गणमान्य ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। COVID-19 वॉरियर्स 12वीं समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उनके लिए बैठने का अलग दीर्घ बनाया जाएगा। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस समारोह की तरह ही गणतंत्र दिवस के समारोह में भी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाएगा। समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ ही जांच की भी व्यवस्था होगी। मुख्य द्वार से लेकर स्थल तक पहुंचने के लिए सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। मास्क के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिहारवासियों को अब सताएगी ठंड। राजधानी में मौसम में हर दूसरे तीसरे दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी है। नए साल में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कोहरा घना हो सकता है, साथ ही दिन के तापमान में आंशिक कमी आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में हल्की धुंध देखने को मिलेगी। राज्य में सबसे अधिक तापमान फारबिसगंज में देखने को मिला, जहां पर 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम डेहरी और सोन का 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। 3 जनवरी को पश्चिम से आने वाली शुष्क एवं सर्द हवा के कारण बिहार के पश्चिमी भाग के तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट एवं पूर्वी भाग में उत्तर से आने वाली शुष्क एवं उष्ण भरी हवा के कारण तापमान में अपेक्षाकृत कम अर्थात 1-2 डिग्री तापमान गिरने की संभावना है। अगले 48 घंटे में मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते दिन जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भीड़। COVID-19 के माहौल के बाद बीते दिन ऐसा दिन रहा जब जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। मेरी जानकारी के अनुसार जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी, जिसके तहत 44 जोड़ी फ्लाइट में 13,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में भी यात्री देखे गए। जांच के बाद अंदर आने के लिए कतार में भी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन और CISF के पसीने छूट रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन चुनौती के रूप में लेकर यात्रियों को संभालने में जुटा है। आपको बता दें, स्थानीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। बिहार के 4 शहर का प्रदर्शन रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बेहद निराशाजनक। केंद्र सरकार ने देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 4 बिहार के शहरों का भी चयन सूची में किया गया था। इनमें सबसे पहले भागलपुर का नाम शामिल है, उसके बाद बिहार शरीफ और फिर मुजफ्फरपुर के बाद बिहार की राजधानी पटना को इस सूची में शामिल किया गया है। मगर अभी चारों शहर स्मार्ट होने की दौड़ में काफी पीछे है।
क्योंकि ज्यादातर योजनाएं या तो टेंडर की प्रक्रिया में है या फिर अधूरी ही पड़ी हैं। इसके अलावा कम महत्व की योजनाओं को हटाकर उनकी जगह दूसरे जरूरी काम को शामिल किया जा रहा है। राज्य के स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित 4 शहरों में अभी विकास कार्य का जमीन पर उतरना बाकी है। कुछ कार्यों को छोड़ दे तो अधिकांश स्वीकृत योजनाओं का काम अभी जमीन पर नहीं उतर सका है। मार्च महीने तक 10वीं और 12वीं की कक्षा चलाने का जारी किया गया आदेश। आगामी 4 जनवरी से 31 मार्च तक स्कूलों में 10वीं और 12वीं की क्लास चलने वाले हैं। एक दिन में आधे भी छात्र स्कूल में बुलाए जाएंगे। कुछ स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होगी। इसके लिए स्कूल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि 4 जनवरी से स्कूल खुलने के बाद 3 महीने तक 10वीं और 12वीं के छात्र कक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसके लिए शिक्षकों एवं छात्रों को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सीबीएसई का कहना है कि 4 मई से 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा एवं 1 मार्च से प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष एके नाग का कहना है कि प्रायोगिक परीक्षा जारी रखने की तैयारी चल रही है। जिन परीक्षार्थियों को उस दिन परीक्षा देनी होगी वो परीक्षा में शामिल होंगे, बाकी विद्यार्थी क्लास करेंगे। प्रशासनिक फेरबदल में 5 आयुक्त और 13 डीएम का हुआ फेरबदल। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार की देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 4 दर्जन से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक समेत कई अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिए गए हैं। उनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन के अलावा अब निगरानी विभाग भी रहेगा। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह से निगरानी विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निदेशक समेत कई अन्य जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही 38 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला बिहार में कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को भूमि और भवन देने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि आपदा को अवसर में बदलकर पश्चिम चंपारण जिले में स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस तरह की व्यवस्था बिहार के हर जिले में होगी। सरकार की नई उद्योग नीति के तहत नए उद्यमियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का संकल्प भी उन्होंने लिया है। भूमि और भवन की व्यवस्था करने की तरीका और नई तकनीक का इस्तेमाल कर रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को चनपटिया बाजार समिति के प्रांगण में स्टार्टअप लोन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने उक्त बातें कहीं। आपको बता दें, 1 घंटे तक उद्यमियों के उत्पादों का बारीकी से उन्होंने मुआयना भी किया। टोल प्लाजा के कैशलेस होने की अवधि बढ़ी आगे। पटना बख्तियारपुर समेत सभी टोल प्लाजा से अब 15 फरवरी तक टोल टैक्स कैश देकर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। 100% वाहनों में फास्टैग नहीं लगने के कारण यह फैसला सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लिया गया है। इसकी जानकारी गुरुवार को टोल प्लाजा के महाप्रबंधक बीएन चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया है कि 1 जनवरी से टोल प्लाजा कैशलेस होने और केवल फास्टैग कार्ड लगे वाहनों की आवाजाही होने और कैश लेकर आने जाने वालों से 2 गुना टोल टैक्स लेने का फैसला में बदलाव किया गया है। महाप्रबंधक का कहना है कि तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक इस टोल से गुजरने वाले 55% वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है। ऐसे में 1 जनवरी को इसे लागू करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली का पद है कायम। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 2रा स्थान कायम रखा है, जबकि कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 पायदान चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गए। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पछाड़कर बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। स्मिथ 3रे स्थान पर खिसक गए हैं। इसके साथ ही मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2रे टेस्ट में 112 और नाबाद 27 रन बनाकर 6ठा स्थान रहाणे ने हासिल किया है। वो पिछले साल अक्टूबर में 5वें स्थान पर पहुंचे थे, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। चेतेश्वर पुजारा 2 पायदान खिसक कर 10वें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की सूची में आर अश्विन 2 पायदान चढ़कर 7वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एमसीजी में टेस्ट पदार्पण करने वाले शुभमन गिल बल्लेबाजी में 76वें और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में 77वें स्थान पर हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने साल 2021 में सोशल मीडिया पर शेयर किया मैसेज। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने साल 2021 में सोशल मीडिया पर भी नई शुरुआत की है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी सभी पुरानी पोस्ट को डिलीट करने के बाद दीपिका ने नया संदेश जारी किया है। ऑडियो डायरी के नाम से दीपिका पादुकोण ने नई शुरुआत की है। ऑडियो डायरी के अपने पहले संदेश में दीपिका ने सभी फैंस को नए साल की शुभकामना दी है। दीपिका ने ऑडियो संदेश के साथ कैप्शन में लिखा है, यह 1 जनवरी 2021 है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दीपिका ने अपने ऑडियो संदेश में कहा, मेरी ऑडियो डायरी में आप सभी का स्वागत है। दीपिका पादुकोण की तरफ से अभी पोस्ट को डिलीट करने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि शायद वो कुछ नई शुरुआत करना
करना चाहती है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 20,035 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,02,86,709 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 256 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,48,994 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 98,83,461 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 2,54,254 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपने आज नए साल का पहला दिन किस तरह से बनाया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।